कार्यक्रम में ले चलते हैं जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संबोधित कर रही हैं। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है मित्रों, ये ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनना ये मेरे लिए एक यादगार मेरे जीवन का ये प्रसंग बना रहेगा, क्योंकि हम जब छोटे थे तब पाठ्यक्रम में ये सब पढ़ते थे, काकोरी ट्रेन घटना, चौरी चौरा की घटना, लेकिन कभी ऐसे स्थान जो पवित्र स्थान था, ऐतिहासिक घटनाएं वहां हुई थी और देश की आजादी के लिए छोटे छोटे हमारे युवकों ने 20 साल 25 साल की जिसकी उम्र रहती थी, ऐसे कई वीरों ने अपनी शहीदी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं। ऐसे स्थान पर आज जब मैं आई हूं तो मैं गर्व का अनुभव कर रही हूं। शहीदों के जो परिवार हैं, वो परिवारों का भी आज सम्मान किया गया है, और कारगिल की जो घटना हुई इसमें भी उत्तर प्रदेश के जो हमारे सेना वीर जवानों शहीद हुए थे उनके परिवारों को भी आज सम्मान सरकार ने किया है, और इसी वजह से मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मित्रों। इधर एक कहा गया कि माताएं कैसी थी मित्रों, ऐसी घटना जब होती थी फांसी के फंदे पर जब हमारे युवा क्रांतिकारियों चढ़ जाते थे, फिर भी माता की आंख में से कभी आंसू नहीं आए और ये कहते रहे कि मुझे आज गर्व है कि देश की आजादी के लिए मेरा बेटा आज फांसी पर चढ़ रहा है। वैसे ही स्थिति वीर भगत सिंह की थी मित्रों, जब वीर भगत सिंह ने भी फांसी के फंदे पर तय किया गया कि उस फांसी मिलने वाली है, तब कई पत्रकार बंधु उसको मिलने के लिए गई थी माँ को, और माँ को पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, आपके बेटे को आज फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे हैं। तब माँ ने कहा था कि मुझे गर्व है कि देश की आजादी के लिए मेरा बेटा आज फना हो रहा है। देशभक्ति का यह उत्तम उदाहरण उसके सामने था मित्रों, लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे दुख भी है। तो पत्रकारों ने पूछा कि माताजी दूसरा क्या है, क्या दुख है आपको, तो उसने गर्व से कहा था कि दुख ये बात का है, यदि मेरा और बेटा होता तो मैं आज भारत माता की चरणों में आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर देती है। ये राष्ट्रभक्ति थी हमारी माताओं में, और इसी वजह से आज भारत आजाद बना हुआ है। ऐसी हजारों घटनाएं पूरे देश भर में बनी है और ये भूलना नहीं चाहिए मित्रों, हमारा इतिहास हमें हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद ऐसी घटनाओं हमारे नए नए जो बच्चे पैदा हुए बड़े हुए उनको भी इसके अवगत कराने की आवश्यकता थी मित्रों, लेकिन हमारा इतिहास भुला दिया गया। ऐसी घटनाओं को भी ऊपर पर्दा रख दिया गया, कहीं भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी नहीं होता था, और ऐसे कोई कार्यक्रम करके समाज में प्रेरणा मिले ऐसे कोई नाटक या तो कोई बुक्स वगैरह नहीं होती थी मित्रों। मैं आज ये कहना चाहती हूं मित्रों, मैंने जब काला पानी की सजा नाम का एक बुक जो वीर सावरकर ने लिखा था, क्योंकि वीर सावरकर खुद 10 साल अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में रहे थे मित्रों, और इनके साथ कई ऐसे क्रांतिकारी वीरों को वहां रखा गया था जो देश भर में कार्य करते थे। अंग्रेजों को हटाने के लिए, अंग्रेजी शासन को नेस्त नाबूद करने के लिए जो प्रयास होता था, और इसमें जो भी लोग काम करते थे वे लोगों को उठा उठा कर सेल्यूलर जेल में समुद्र के बीच में रखा जाता था मित्रों। मैं आप सबको ये कहूंगी, हमारे स्कूलों में भी चाहे प्राइमरी स्कूल हो कोई भी स्कूल हो,
इसमें ऐसी जो घटनाएं हुई है, जो हमारे बुक्स में सही घटनाएं लिखी हुई है, ऐसी घटनाओं से हमें बच्चों को अवगत कराने की आवश्यकता है। मित्रों, आज देख लिया कि हमारी बेटियों ने कितनी अच्छी तरीके से काकोरी घटना को हमारे सामने रखा है। तो ऐसी घटनाएं जब हमारे युवा देखेंगे तब उनको ये जरूर लगेगा कि जिस तरह हमारे पूर्वज देश की आजादी के लिए मर गए, मिट गए, शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए, भारत माता की जय बोलते हुए, तो आज हमारा कर्तव्य क्या है मित्रों? आज हमारा ये कर्तव्य है कि आजादी मिली है कि इसलिए ये सब लोगों ने आजादी आंदोलन में हिस्सा लिया था। क्या कि सब लोग चाहते थे कि हमारी अपना शासन आएगा देश में तो अपने तरीके से हम काम करेंगे, अपने तरीके से